ये दिल दहला देने वाला वीडियो जिला मंडी तहसील सरकाघाट के तहत समाहल गांव की बताई जा रही है। तुगलकी फरमान के चलते इस बुजुर्ग महिला को देवता के नाम पर जिस तरीके से जलील कर घसीटा जा रहा है, उससे लगता है कि इन मूर्ख लोगों को कानून व्यवस्था का भी कोई डर नहीं। बुजुर्ग महिला पर धर्म के कुछ तथाकथित ठेकेदारों का आरोप है कि महिला ने गाँव के लोगों पर कोई देवता लगाया है, जिससे गांव में अनिष्ट हो रहा है। उधर सोशल मीडिया में मामला वायरल होने पर मुख्यमंत्री द्वारा कड़ा संज्ञान लिए जाने के बाद पुलिस ने वृद्ध महिला की बेटी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए भी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। महिला की बेटी तृप्ता देवी के गुर की बेटी निशु, उसके दो भाई और उसकी मासी के दो लड़के समेत कमला देवी, सोनू, सुकुंतला, मिंटू, बिमला देवी, सुलोचना, साहिल, नीलू, काकू, चित्तर, सनी, बालम, उसकी पत्नी सिमरो देवी, अमरी देवी, नीलू और उसकी पत्नी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज करवाई है। DSP चंद्रपाल सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ धारा 355, 417, 435, 452, 506, 147, 149 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। घटना है, मुझे आज ही उसकी जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद तुरंत मैंने SP मंडी को आदेश किए हैं कि उस सारे मामले में जितने भी लोग हैं उन सब उसकी सारी तहकीकात की जाए और सारे में मामला दर्ज किया जाए और जो भी कार्यवाही उसमें बनती है उस कार्यवाही को किया जाए। सर, आपको लगता है कि ऐसी मानसिकता छोड़नी चाहिए? बिल्कुल छोड़नी चाहिए, ये अमानवीय है और किसी भी तरह से बर्दाश्त योग्य नहीं है।